हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। सुबह के मतलब दोपहर के बज चुके हैं एक और मेरा व्लॉग स्टार्ट हो रहा है। कैसे हैं आप सब लोग? और होप करते हो आप अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ। और बच्चे कर रहे हैं रेस्ट और मैं लेट ही सो के उठी, क्योंकि हॉस्पिटल से आपको सारी अपडेट का पता है, मैं रात को लेट आई, उसके बाद हम सो गए। तो अभी बस एक डेढ़ घंटा ही हुआ है हमको उठे हुए। नाश्ता करने के बाद मैंने अपने लंच की प्रिपरेशन भी स्टार्ट कर दिया। फोन आ गया था तो अर्जेंटली मुझे बीच में ही हॉस्पिटल आना पड़ा है। रिलेटिव्स आए थे वहाँ से तो अभी जा रहे हैं, मम्मी इनको विदा कर रहे हैं। चाय अभी भी पेन हो रहा है, गर्म है ज्यादा चाय, गर्म तू थोड़ी ठंडी जान दे। जब मैं नीचे उतर के आई हूँ हॉस्पिटल से, अब मैं जा रही हूँ घर। मैंने उस दिन का मौसम तो शायद आपको दो दिन पहले वाला मौसम तो नहीं दिखाया था व्लॉग में, क्योंकि मैंने बोला था कि मैं आपको मौसम दिखाऊंगी, लेकिन आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो रहा है। अभी थोड़ी देर पहले बहुत गर्मी हो रही थी, लेकिन अब हल्की हल्की बारिश हो रही है। पूरी भीगी है और बारिश इतनी तेज हो गई है। जब मैं वहाँ से निकली थी ना तो हल्की हल्की बूंदें पड़ रही थी, मुझे नहीं होता था कि बारिश इतनी तेज हो जाएगी और मैं स्कूटी पे सारी गीली हो गई। मैं भी शीशे में से देख रही थी कि हल्की हल्की बारिश आ रही है और फिर एकदम से इतनी तेज हो गई। चलो अब आप लोग खाना खा लो। मम्मा मैं तो थोड़ी देर अभी नहा के फिर आता हूँ, ठीक है? ये है डुकु, तू नहा के बारिश में और अंदर आ गया, पूरा घर भी गंदा कर दिया तूने। ये टॉवल से मैंने पूछ लिया। अब चलो, अब आप पहले भी नहा लिए थे, अब आपको दोबारा नहाना पड़ेगा। जाओ नहा लो। आज तो नहीं जाऊंगा। क्या हुआ? आज मैं, मेरा फ्रेंड और एक और फ्रेंड साइकिलिंग कर रहे थे यहाँ से, मैं दुकान के यहाँ से तो रोड पे हुआ ना मम्मा, क्या एक पानी की सी एक लाइन ऐसी, हाँ, तो वहाँ पे मेरा टायर फंस गया। ओ। और फिर मैं गिर गया और मेरा फ्रेंड जो मेरे पीछे से आया था वो गिर गया और जो हमारा तीसरा फ्रेंड था उसने हमको बचा लिया, लेकिन हम गिर गए थे उसने साइकिल हमारी दोनों की। चलो ठीक है, अब आप नहा लो और फिर उसके बाद खाना खा लो। हाँ, इसको आकर गाइस नहाई हूँ, नहा के बच्चों को लंच दिया है मैंने और सारी चीज, कई सारी चीजें हैं जो दिमाग से निकल गई हैं। और उसमें से एक ये भी है कि कल ईद है और मैं घर में, कोर्ट में और हॉस्पिटल में ऐसी बिजी होने लग गई कि पता ही नहीं चला। अभी मैंने अपना सूट, कुछ दो तीन सूट स्टिचिंग के लिए दिए हुए थे, तो मेरी बुटीक वाली का फोन आया, बोली दीदी आप सूट लेके नहीं गए, कल आपकी ईद भी है। तब मुझे याद आया कि कल ईद है और ये कपड़ों का स्टैंड भी मुझे बाहर बारिश हो रही है तो यहाँ डालना पड़ा है, तो स्टैंड भी ला के मैंने यहाँ रख दिया, उसके ऊपर फिर ये कपड़े डाल दिए, सूख जाएंगे। हल्की हल्की बारिश अभी भी हो रही है और एक बार मैं जाऊंगी, क्योंकि जो मेरी बुटीक वाली है वो कल अपने घर जा रही है और वो कह रही है कि दीदी आप सूट ले जाओ आके, तो बीच में जल्दी से जाती हूँ और फटाफट सूट लेके वापस आती हूँ। वो कर रहा है मेरी स्कूटी साफ और बारिश अभी भी हल्की हल्की पड़ रही है। जल्दी चलते हैं, फिर जल्दी से आ जाएंगे। गाइस हम आ रहे थे हॉस्पिटल के लिए और हमारी स्कूटी पंचर हो गई है, तो आधे रास्ते डुबू आई हूँ, पैदल पैदल चल के आए और मैं स्कूटी धीरे धीरे चला के लाई हूँ, अब इसका पंचर जुड़वा के लाती हूँ मैं। शुक्र है गाइस कि ज़्यादा दूर नहीं जाना पड़ा मुझे, भैया पास में ही मिल गए जो पिंचर लगाते हैं। आराम कर रहे हैं सब भाई, आराम से। चीची तू क्यों खड़ा है? मम्मी सारा स्वेटर आज ही पूरा करती लगे, क्यों मम्मी आज ही पूरा हो जाएगा ये? हमेशा की तरह जो मम्मा की फेवरेट हॉबी है मेरे से गुस्सा होना, वो मम्मा कर चुकी है। अभी यहाँ पे मम्मा मासी का दूध गर्म कर रही है, ये बना के देंगी मासी को दलिया। मेरे से तो गुस्सा ही रहते हो आप, मम्मा सोच रखा है क्या हमेशा मेरे से गुस्सा रहो? इस मम्मा ने दूध गर्म कर लिया, अब मम्मा बनाएंगी दलिया। दलिया किसमें है? मीठा तो मैंने डाल दिया था इसमें, चीनी थोड़ी सी डाल दी। गाइस रात के बज चुके हैं 10 और अभी हम हॉस्पिटल में ही हैं। उससे पहले मैं अभी थोड़ी देर पहले मार्केट चली गई थी, नीलू को कुछ सामान लेना था और मार्केट से हम अभी अभी आए हैं,
जब से डुक्कू आइनू भी यहीं पे ही है और कल ईद भी है और कल मुझे खीर बनानी थी और मैं दूध लेना ही भूल गई। अब रात बज रहे हैं 10 और दूध तो कहीं मिलेगा नहीं। अब तो सुबह ऐसा करूँगी, ऑर्डर कर दूँगी जैप्टो से। सो गाइस, रात के बज चुके हैं 1 और हम हॉस्पिटल से घर पे आए थे 12:45 बजे। फिर आके मैंने खाना बनाया, बच्चों को खाना खिलाया और बहुत ज़्यादा थक भी चुकी हूँ। और कल बकरा ईद भी है, तैयारी भी कुछ खास नहीं हुई है, लेकिन जो भी हुई है अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छी है। तो कल ही करूँगी ईद मुबारकबाद तो सबको। तो अब मैं आज का ब्लॉग यहीं पे करूँगी एंड। और मेरे चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूले। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल और लाइक माय वीडियोस। टुकू आप भी कुछ कह दो। बाय गाइस, गुड नाइट।